Welcome back to our channel. The article which we are going to discuss today is Paler Green, and one is on public health, not private health. So the first article we are going to discuss is about NGT and what it works is and how it has deviated from its path of work. सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि 2010 में इंडिया थर्ड कंट्री बना था आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जिसने क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई थी एनजीटी, जो कि केसेस डील करती थी एनवायरमेंट रिलेटेड. द एजेंसी वॉज मैंडेटेड टू एक्सपोज ऑफ इमीडिएट केसेस ऑफ पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. तो उसमें यह था कि आपको बहुत ही टाइमली एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस है उसको डिस्पोज ऑफ करना होता था. अगर हम फिगर्स की मानेंगे तो 90% ऑफ केसेस ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं. एनजीटी ने रिप्लेस किया था नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी को जब दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 2009 में, जिसने उसने कहा था कि लैक्ड एक्सपर्टीज एंड इंडिपेंडेंस फॉर रिड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवियंसेस. अब करेंटली एनजीटी में 3 जुडिशियल और 3 एक्सपर्ट मेंबर हैं. एनजीटी डेल करता है केसेस को. एनजीटी की देखो, अब ये बताया गया कि पहले एनजीटी कैसा था, अब एनजीटी कैसा. तो ये बताया जा रहा है कि जब पहले एनजीटी में केसेस डेल होते थे तो एनजीटी ऐसे पैराग्राफ में मतलब अपना डिसीजन देता था. इन फेलिंग टू कैरी आउट मेरिट बेस्ड रिव्यू द एनजीटी हैज़ डिस्चार्ज्ड एन एग्जुटरी फंक्शन. ठीक है, इवन एक केस था पर्यावरण संरक्षण समिति लिपि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2011. एनजीटी ने ये बोला था कि नॉट बींग पेडेंटिक इन द एप्लीकेशन ऑफ डेडलाइन के लिए और सब्सटैंशियल जस्टिस एनवायरमेंट इश्यूज, मतलब एक जो उन्होंने जजमेंट दिया था कितना अच्छे उससे दिया था, अथॉरिटी रूल से और एक अच्छे मतलब रीजंस के साथ दिया था. अभी ये हो रहा है कि अब एनजीटी 10 साल हो गए हैं और सेम ट्रिब्यूनल ये कह रहा है कि लेथार्जी को केयरलेस वर्क की वजह से डिसमिस कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों के एप्लीकेशन जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और जो अपना पेपर वर्क डन नहीं कर पाए. इससे ही पता चलता है कि एक एनजीटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो अपने काम से कितना ज़्यादा डेविएट हो चुका है. नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पब्लिक हेल्थ नॉट प्राइवेट हेल्थ. इसमें बताया गया है कि कैसे पब्लिक हेल्थ कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा ज़रूरी है वैक्सीनेशन के प्रोसेस में. ये पहले ये होता था कि अभी फ़िलहाल ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन दी जा रही है पर बहुत ही स्लोअर प्लेस में दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से. हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है. तो इन एडिशन इसमें लिखा हुआ है, इन एडिशन टू फ्री एक्सेस इन गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स एलिजिबल इंडिविजुअल्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर अ मैक्सिमम फी ऑफ 250 रुपीज़. तो अभी एक नई चीज़ गवर्नमेंट ने शुरू की है कि आप 250 का एक डोज, आपको दो डोज लेते होते हैं 500 के उसमें जाके ले सकते हैं. तो कहते हैं कि दिस इज़ अ वेलकम स्टेप कि हाँ चलो गवर्नमेंट ने हम लोग को ऑप्शन दे दिया. थोड़ा अगर प्राइवेट का वो आएगा तो थोड़ा ज़्यादा फास्टर पेस में हमारी शुरू होगी वैक्सीनेशन जिसकी ज़रूरत है. पर ये कहा जा रहा है कि ये सरप्राइजिंग कि आप गवर्नमेंट ने 500 रुपये लगा दिए हैं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही, ऑथर ये कह रहे हैं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना चाहिए था, वैक्सीन देना चाहिए था और क्या कहते हैं अपना फ्री ऑफ कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए. तो प्राइवेट को एक सर्विस चार्जेस देने चाहिए थे जो उनको लगने चाहिए थे. ठीक है, येट द गवर्नमेंट ने उनका ये सब तो ठीक है पर गवर्नमेंट ने दो काम अच्छे किए. पहली बात तो उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आयुष्मान भारत में जोड़ लिया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ में. नेक्स्ट उन्होंने ये कहा, अब इससे ये क्या हुआ है कि स्टेट लेवल इंश्योरेंस स्कीम्स हैव टारगेटेड इंक्लूजन ऑफ 20,000 प्राइवेट वैक्सीनेशन साइट. इससे ये चीज़ हुई विच कुड एंड अप बीइंग डबल ऑफ गवर्नमेंट सेंटर, इतना बड़ा है. सेकेंड उन्होंने ये कहा कि जो प्राइस ऑफ 150 पर डोज जो उन्होंने मैन्युफैक्चरर से लगाया था ये बहुत कम है, जो प्राइवेट पे करती थी उससे भी कम इस बार गवर्नमेंट पे कर रही है मैन्युफैक्चरर्स को. तो इससे हो रहा है कि इंडिया ये अर्ली सिग्नल दे रहा है कि वैक्सीनेशन प्राइस में ग्लोबल कम्युनिटी में एक अपनी पहुँच बना रहा है कि हाँ देखो हम कम प्राइजेस में भी दे सकते हैं. वी आर ग्लैड दैट गवर्नमेंट हैज सीविंगली अवॉइडेड रिपीटिंग द मिस्टेक मेड विद कोविड टेस्टिंग, हाँ जो कि 4500 की टेस्टिंग थी. तो वी आर ग्लैड कि गवर्नमेंट ने उससे कुछ सीखा. इंडिया हैज़ अपलेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन डोनेटिंग डोजेस, हाँ आपने सुना होगा बीच में गवर्नमेंट ने अपनी नेबरिंग नेशंस को डोजेस दिए थे, वैक्सीन दिए थे. तो अब इंडिया ने अपहेल्ड किया है द गवर्नमेंट को ऐसे ही ग्लोबल सॉलिडरिटी और लीडरशिप में एक्ट करना चाहिए, अफोर्डेबल वैक्सीन बनानी चाहिए स्पेशली वन पुअर नेशंस फॉलिंग शॉर्ट ऑफ डोजेस एंड वेल्दी कंट्रीज आर स्वेप्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ वैक्सीन. अब लास्ट चीज़ ऑथर ने ये बताई है कि एडवर्स इवन जो इम्यूनिटी से मतलब इम्यूनाइजेशन से हो रही हैं जब आप वैक्सीन लगा दोगे या फिर सीवियर एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं ये हम लोग को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फिलहाल ये हो रहा है कि ये लैक कर रहा है. ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ ये इन्फॉर्म करना लैक कर रही हैं, एडवर्स रिएक्शन को डिलीजेंस हो रहा है मतलब बहुत टाइम लग रहा है, लैब्स एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत टाइम लग रहा है. तो इससे ये हो रहा है कि स्टेट की वजह से एक नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को नहीं आप
लिख पा रहे हैं। इसलिए यही कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी हमें ऐसे ही, मतलब जो स्टेट ही तो नेशन बनाता है, हमें उस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी से चाहिए। एंड शेयरिंग फाइंडिंग्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूसिंग वैक्सीनेशन हेसिटेंसी। जब तक हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, वैक्सीनेशन हेसिटेंसी कम नहीं होगी। तभी अगर हम लोगों को बिल्डिंग कॉमन फ्यूचर बनाना है तो हमें वैक्सीन हेसिटेंसी हटानी है।